मोनिका बघेल, सहायक संचालक महिला अंबानी। मध्य प्रदेश के बड़वा के महेश्वर रोड स्थित रतनपुर फाटे के समीप पीपल के पेड़ से बकरी के लिए पाला पत्ते तोड़ने के दौरान करंट लगने से मजदूर की मौत। महेश्वर रोड स्थित रतनपुर फाटे के समीप पेड़ से बकरी के लिए पाला पत्ती तोड़ने के दौरान 40 वर्षीय मजदूर लेखराम चीमा निवासी बफल गांव की करंट लगने से घटना स्थल पर ही यानी पेड़ पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही 100 डायल सहित तहसीलदार बीएल बामनिया, टीआई अनिल यादव, दल बल सहित मौके पर पहुंचे। विदित रहे कि 11 केवी लाइन के तार कई पेड़ों के बीच से गुजर कर निकल रहे हैं। विद्युत मंडल के मेंटेनेंस और लापरवाही के चलते ये घटना होना बताया जा रहा है। घटनास्थल पर परिवारजनों सहित ग्रामीणों की भीड़ जुटी। परिवारजन व ग्रामीण घटनास्थल पर विद्युत मंडल के अधिकारियों के आने के बाद शव ले जाने के लिए अड़े रहे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये मामला पूरा ये है कि सुबह से वो आदमी अपने बकरी बकरी के लिए पाला लेने के लिए आया था और इस पेड़ पे चढ़ा था, तो इस पेड़ से बिजली वक्त 2100 केवी की लाइन टच हो रही है और जिसके कारण इसकी आकस्मिक मौत हो गई है। और हम चाह रहे हैं कि उसके छोटे छोटे 4 से 5 बच्चे हैं, उनके भरण पोषण के लिए बिजली विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ सहयोग राशि मिले। लेकिन व्यक्ति जो है ऊपर पेड़ पर चढ़ा हुआ था और चूंकि सावधानी से कुछ दुर्घटना हो गई है, ऐसा गाड़ी टूटने से लाइन से, तो इस कारण से दुर्घटना का पता चला। सर, 11 केवी की लाइन है, बिल्कुल पेड़ों से टच होके जा रही है, कभी भी और भी आगे दुर्घटना हो सकती है, इस प्रकार की लापरवाही क्यों? सर, वैसे तो मेंटेनेंस करवाया जाता है पर कहीं कहीं बारिश में फिर से नई पत्तियां नई डालियां आ जाती है, जिसके कारण और मेन जो है क्योंकि अज्ञान या उसके कारण असावधानी के कारण क्योंकि डाल काटी गई उसके द्वारा, इसके कारण करके जो अपने पत्तियों को लेने के लिए झाड़ पर चढ़ा था तो उसका एक गगली हाई टेंशन लाइन से टकरा गई थी, जो करंट झाड़ में आ गया, इससे इसकी मुख्य मृत्यु हो गई। परिजन और ग्रामीण लोग बिजली विभाग के अधिकारी को मौके पर बुलाने पड़े थे क्योंकि जे साहब आए और ग्रामवासियों को उन्होंने समझाई थी और तात्कालिक सहायता राशि देने के लिए आश्वासन दिया था, फिर शव को केम के रवाना कर। मध्य प्रदेश के